हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संदेश मोटर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हम आज स्प्लेंडर एक्स टेक का क्विक रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए हैं। ये इसकी की है, इसकी नॉर्मल सी की है जो रेगुलर आती है। ये इसका स्पार्क लाइन बेटा ब्लू कलर है। इसमें दो कलर और आते हैं, एक ग्रे और एक वाइट कलर। वो आप इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अभी इनके पास यही अवेलेबल था। तो इसमें देखिए, आपको क्लस्टर मिलता है मेजर, जैसे आप देख लिया। और इसमें आपको ये यूएसबी चार्जर मिलता है। क्लस्टर के बारे में बाद में बात करूँगा। ये यूएसबी चार्जर मिलता है लेफ्ट साइड में। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है आपको। इसमें फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है आपको। और इसमें i3s भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए i3s का स्विच यहाँ पे राइट साइड में आता ही है, सेल्फ के जस्ट ऊपर। तो आप i3 यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका वर्क अराउंड मैं बता देता हूँ आपको। वर्क अराउंड देखिए कुछ इस तरीके से। इसका फ्रंट में आपको LED मिलती है, जो कि बाइक स्टार्ट होने पर स्टार्ट होगी। डे लाइट LED है, तो बाइक स्टार्ट होने पर ही स्टार्ट होगी ये। और इसका साइड से लुक देखिए, बिल्कुल ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। बस मेजर चेंजेस कुछ ही है इसमें। और इसका क्लस्टर जो है, इसका मेजर चेंज क्लस्टर है इसका। क्लस्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा डीपली। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, ये आपकी वार्निंग लाइट मिल जाती है, फ्यूल न्यूट्रल मिल और आपका हाई बीम लो बीम और डन। ये आपका इंडिकेटर किस साइड का चल रहा है वो आपको इसमें, जिस स्विच से आप ट्रिप सेट कर सकते हैं ए और बी। क्लस्टर का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको एक पूरा डीप बताऊंगा कि क्लस्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए क्लस्टर में देखिए, आपको साइड में मैंने आपको बताई थी, आपको वार्निंग लाइट मिलती है। उसके जस्ट आगे आपको फ्यूल मिलता है, फ्यूल रेंज कितनी है आपकी, फ्यूल की लेवल कितना है आपके टैंक में फ्यूल। उसके जस्ट आप नीचे आपको आपका रियल टाइम एवरेज मिल जाएगा। उसके जस्ट आगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि जब आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि मिस कॉल आया है, फ़ोन आया है या फिर आपका मैसेज आ रहा है। उसके जस्ट आगे आपको स्पीड मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको ओडो मिलेगा और ट्रिप ए और ट्रिप बी देखने को मिलेगा। इसमें सर्विस रिमाइंडर भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, कि आपकी बाइक का जो सर्विस की डेट आएगी या फिर सर्विस का जो रिमाइंडर है वो भी आपको शो करेगा इसमें, कि आपकी बाइक सर्विस के लिए जानी है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं है। इसका व्हील साइज़ की बात कर लेते हैं। इसमें व्हील साइज़ में 8018 का व्हील है इसमें रियर में, और फ्रंट में भी 8018 ही इसका टायर साइज है। इसमें सेम है टायर साइज, बस इसका जो ग्रिप है वो चेंजेस है। और ये इसका स्पार्क लाइन बेटा ब्लू कलर है। इसमें दो कलर और आते हैं, वो आप इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक्सटेक टेक्नोलॉजी का लोगो लगा है इसमें, और इसमें जो हीरो का जो लोगो लगा है टैंक पे वो क्रोम में आता है। और इसमें ये FI आती है, आपको पता ही है, आप कार्बोरेटर बंद हो चुका है, ये FI टेक्नोलॉजी है। इसमें इंजन भी ब्लैक मिलता है आपको। तो ये था इसका क्विक रिव्यू। क्लस्टर देख लीजिए इसका, मैं इसको स्टार्ट करके बता देता हूँ। इसका साउंड ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत साइलेंट गाड़ी है, इसलिए इसका साउंड ज़्यादा नहीं आएगा। इसका हेडलाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये देखिए हेडलाइट येलो कलर है, जो इसका रेगुलर आता है। और फ्रंट आपको यहाँ पे आपको ये जो इसका डे लाइट वाली लाइट है LED, वो वाइट कलर की जलती है। तो ये था इसका क्विक रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।